इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। पीथमपुर के ग्राम सागौर का सामने आया है। सागौर वार्ड क्रमांक 21 में स्थित उचित मूल्य के शासकीय राशन दुकान पर बुजुर्ग महिलाओं की लंबी कतार देखी जा सकती है। बुजुर्ग महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि राशन दुकान पर हमें पर्याप्त मात्रा में राशन नहीं मिलता है और दुकान भी अपने सही समय पर नहीं खुलती है। सुबह से शाम तक लंबी कतार में लगे रहते हैं और बिना राशन लिए घर में वापस लौटना पड़ता है। इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में कई राशन की दुकानें हैं, जहां पर गरीब श्रमिक वर्ग इन दुकानदारों के मनमानी के चलते परेशान हो रहे हैं। संबोधित विभाग इन पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। अमूमन राशन की दुकानें नेताओं के संरक्षण में चल रही हैं। जब सयाब है कोतवाल तो डर काहे का। खबर प्रकाशित होने के बाद संबंधित अधिकारी इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं, देखने वाली बात होगी। औद्योगिक नगरी पीथमपुर के सेक्टर 3 में ग्राम सागौर वार्ड क्रमांक 21 में स्थित उचित मूल्य शासकीय राशन दुकान प्रतिदिन अनाज वितरण किया जाना चाहिए, बावजूद इसके समय पर राशन वितरण नहीं किया जा रहा। गरीब श्रमिक वर्ग के बुजुर्ग महिलाएं लंबी लंबी कतारें लगाकर खड़ी रहती हैं। शाम होते ही अपने घर खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हो जाती हैं। वहीं राशन दुकानदार की माने तो इंटरनेट और वेबसाइट की दिक्कत है, जिसमें एक अनाज की पर्ची को ही क्लियर नहीं करने में करीब 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। इस वजह से राशन देने में देर हो रही है। वहीं स्थानीय रहवासियों की माने तो राशन विक्रेता सही समय पर राशन नहीं दे रहा और ना ही समय पर दुकान खोलता है। कारण जो भी हो, लेकिन आम जनता जरूर यहां पर परेशान हो रही है। क्यों ब्लैक में बेच दे, तुम बता रहे 4-5 क्विंटल लिया। कितना दिन में तुम्हारा राशन मिली है? 5 दिन के रोके रोके फिर भी राशन नहीं मिलो। और तुम्हारा अंगूठा लगाने के बाद भी राशन नहीं दियो? हां नहीं दियो, मां सारा बताने नहीं दी। काला अंगूठा लगे तो आज देने का काम। कई नाम तुम्हारा? मारो इल्या भाई केसर सिंह। ये कौन सा वार्ड की है या राशन साथ की राशन की दुकान? ईदगाह रोड। ईदगाह रोड वार्ड क्रमांक 21। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।